हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बिगनर फ्रेंडली क्लीन मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है बिगनर्स के लिए। इस मेकअप के सारे स्टेप मैं इस वीडियो में अच्छे से शेयर करने वाली हूँ, जिनको फॉलो करके आप बहुत ही न्यूड और क्लीन मेकअप क्रिएट कर सकते हो। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं कामा का रोज वाटर यूज कर रही हूँ, जो काफी रिफ्रेशिंग है और मेरी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। इसके बाद मैं निविया सॉफ्ट का लाइट मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। इससे स्किन हाइड्रेट रहती है और मेकअप का लुक भी पैची नहीं आता, क्योंकि डे मेकअप है तो आपको सनस्क्रीन स्किप नहीं करनी है। मैं यहाँ पर न्यूट्रोजेना की ड्राई टच वाली सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। इसके बाद मैं NYB का प्राइमर यूज कर रही हूँ। प्राइमर से ना आपके जो फाउंडेशन की ब्लेंडिंग होती है वो बहुत इजीली हो जाती है और फाउंडेशन का लुक एकदम फ्लॉलेस लगता है, तो आपको प्राइमर भी स्किप नहीं करना है। देन मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। मेबलिन फिटमे का फाउंडेशन है ये, इसमें शेड मेरी 128 है। फाउंडेशन को पूरे फेस पर अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसको ब्लेंड करने के लिए मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर का यूज कर रही हूँ। इतने अच्छे से स्किन प्रैप के बाद आप देख सकते हो मेरा फाउंडेशन कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। इसके बाद मैं फॉरएवर 52 का कंसीलर अप्लाई करूंगी फेस की हाइलाइटिंग के लिए। मैंने फेस के जो जो पार्ट हाइलाइट करने हैं उन पे कंसीलर अप्लाई करूंगी, अंडर आई एरिया में, नोज के कॉर्नर में, लिप्स के कॉर्नर में, चिन पे एंड फोरहेड पे। इन सब पार्ट्स पे अच्छे से कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं वही डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज करूंगी और अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। फिर फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं लैक्मे का रोज पाउडर यूज कर रही हूँ और पफ के साथ अपने पूरे फेस की पाउडर लुकिंग कर लूंगी। अब मैं अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए मिस क्लियर की आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ और अच्छे से अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी। फिर इसके कैप पे जो कॉम दिया हुआ है उससे अपनी आईब्रोज को कॉम कर लूंगी, ताकि प्रोडक्ट जो है वो स्प्रेड हो जाए और मेरी आईब्रोज का लुक फेक ना लगे। इसके बाद मैं अपने आई मेकअप के लिए मोर्फी की आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ और एक सिंगल लाइट ब्राउन कलर पिक करके अपने आईबॉल पर अप्लाई कर लूंगी। इसके बाद मैं कलर बार का लाइनर ले रही हूँ और अपनी आईज पर क्लासिक लाइनर अप्लाई कर लूंगी। इससे आईज का लुक जो है वो एकदम नेचुरल लगता है। फिर निक्स की वाइट काजल ले रही हूँ और अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैं कलर बार का मस्कारा ले रही हूँ और अपनी आईलैशेज पर अप्लाई कर रही हूँ, जिससे मेरी आईलैशेज जो है वो अच्छे से विजिबल हो। इसके बाद मैं आई मैजिक की कॉन्टोर पैलेट यूज कर रही हूँ फेस की कॉन्टोरिंग के लिए। फेस पे बेस अप्लाई करने के बाद पूरा फेस एकदम फ्लैट हो जाता है। फेस को वापस से शेप में लाने के लिए फेस की कॉन्टोरिंग की जाती है। जिस साइड मैंने फेस की कॉन्टोरिंग की है वो वाली साइड काफी अपलिफ्टेड लग रही है। इसके बाद मैं कलर बार का ब्लशर यूज कर रही हूँ अपने चिक्स को ब्लश ऑन करने के लिए। चिक्स पर ब्लशर आपको बहुत ही थोड़ा अप्लाई करना है, ज्यादा क्वांटिटी में आपको ब्लशर यूज नहीं करना है। ब्लशर इतना अप्लाई करना है जिससे आपके चिक्स बहुत नेचुरल दिखें। फिर मैं फेसेस कनाडा का हाइलाइटर ले रही हूँ और अपने फेस के हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर हाइलाइटर अप्लाई कर लूंगी, जैसे चिक्स पे, क्यूपिड पे, चिन पे एंड फोरहेड पे। अब मैं माइग्लैम की लिपस्टिक अप्लाई करके अपना लुक कंप्लीट कर लूंगी। सो यहाँ पर मेरा लुक कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हो बहुत ही फ्लॉलेस लुक लग रहा है, बहुत ही फाइन मेकअप हुआ है। मेकअप और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।